कर ले लो जल्दी और वापस इन लोग को भेजो। सारा जिम्मा हमारी सरकार की हो। तो ये आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार ग्राम, और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जहां तालझारी में इस वक्त हम मौजूद हैं और फसल लगी खेतों को ईसीएल अधिग्रहण कर चुकी है और गरीब किसान जो है वो लगातार अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अपना जमीन का किसान में खत्म होगा ना, देखो अपना लाभ नहीं देता है। आप देखिए किस प्रकार चारों ओर आदिवासी ग्रामीण जो है वो पुलिस से भिड़ चुके हैं और पुलिस जो है लगातार जो इसकी जमीन नहीं है उसमें भी उतर चुकी है। और देखिए कि जिस जमीन को अधिग्रहण नहीं किए हैं वहाँ रोते हुए लोगों की तस्वीर आप देखिए कि जिस जमीन के जमीन पर जो है चढ़ाई की जा रही है, तो ये लोग का मासूम चेहरा आप देख सकते हैं। क्या वही इस जमीन को ईसीएल नहीं लिया क्या? कहीं भी नहीं लिया, बिना ग्राम सभा में कोई नहीं। कहां से ये माइनिंग आ गया, किस तरीके से यहाँ आया है, माइनिंग बढ़ाने का किस तरह रूल है हमको बता दीजिए पहले। ये जमीन आपका है जिसमें आप खड़े हैं? सब हम लोग का है। तो क्या इस जमीन को ईसीएल लिया है? नहीं। इसका पैसा नहीं किसी को मिला? कुछ नहीं मिला। इसके बगल में खुदाई हो रहा है? कोई भी नहीं मिला पैसा, और कुछ नहीं करना चाहिए, हमको पैसा भी नहीं चाहिए। क्या बार जान देंगे भाई, कितना बार दे देंगे? एक तो हो गया 1855 में, फिर आज ही फिर होने वाला है। पैसा तो है नहीं, आपस चले गए, जो हो गया हो गया। तो आप देखिए कि किस प्रकार बिना सुरक्षा के इसके चल रहा है, बिना सुरक्षा के आप देखिए कि किस प्रकार जो है जेसीबी चलाई जा रही है। ग्रामीण इस ओर खड़े हैं, ग्रामीणों को हटाने की बजाय जो है लगातार पुलिस जो है यहाँ पर चढ़ाई कर रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि आदेश मिल जाने के बाद किस प्रकार से बर्बरता की तस्वीर सामने आती है। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि अगर सिर्फ आदेश आ जाए कि हाँ अब आदेश हो गया, आप सख्ती से जमीन खाली करा सकते हैं, तो उसके बाद ये बर्बरता की तस्वीर आप देख लीजिए। देखिए कि सभी अपने सुरक्षा के लिए हाथों में हथियार रखे जरूर है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा हथियार चलाया नहीं गया है। जी हाँ, आप देखिए कि फसल लगी जमीन है और आज इस जमीन को उजाड़ दिया गया है, आदिवासियों के मां स्वरूप जमीन को उजाड़ कर किस प्रकार से आप देखिए कि खोदा जा रहा है कोयला अधिग्रहण के लिए। आप देखिए कि माथा पर हाथ रखकर, अपने सिर पर हाथ रखकर अपना माथा पीटते हुए किस प्रकार से रो रहे हैं, अपना माथा ढूंढ रहे हैं, अपने फसल लगे खेतों को कुड़ते हुए देख रहे हैं। ये विकास की तस्वीर देखिए कि ये झारखंड का विकास है।
जहां झारखंड के आदिवासी अपने भूमि के लिए, अपने मां स्वरूप जमीन के लिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। ये वो झारखंड की तस्वीर है जिस झारखंड में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा की राजनीति की जाती है। ये उस झारखंड की तस्वीर है जहां इसी झारखंड के आदिवासी पर किस प्रकार का जुल्म होता है। ये तस्वीर है, ये झारखंड की तस्वीर है। जिम्मेवारी सरकार को देंगे और सरकार को करना होगा, नहीं करेगा सरकार को बिहार कुछ भी। हम लोग करेंगे सरकार के ऊपर जो बात है, सरकार ले लो जल्दी और वापस इन लोग को भेजो। सारा जिम्मेवारी सरकार की हो गया, नहीं आ रहा है। क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? तो ये आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, लेकिन बेबस हैं, लाचार हैं और उनकी जमीनों को यहाँ पर कोड़ा जा रहा है। अब आगे देखिए कि फसल लगी हुई है, उन जमीनों को भी कोड़ दिया जाएगा और ग्रामीण चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने आपको कुछ देर पहले की वो लाइव तस्वीर दिखाई कि किस प्रकार ग्रामीणों के गाँव में घुसकर पुलिस जो है लगातार प्रहार कर रही थी, और अब ये दूसरी तस्वीर है जहां ग्रामीणों के फसल लगे खेतों को किस प्रकार उजाड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस जिस मेहनत और पसीने से ग्रामीण अपने खेतों को सींचते